इनकी उम्र है 6 माह। 6 माह। अब ये प्रॉपर अंडे दे रही है सारी? प्रॉपर अभी अंडे देना शुरू हुए हैं, 20-25 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो बकाया स्टार्ट अभी हुई है। डेली के कितने अंडे आ रहे हैं? डेली के 20-25 अंडे आ रहे हैं। डेली के मतलब 20-25 आ रहे हैं। तो कितना अर्सा हो गया इनको देते हुए? अंडे अभी इन्होंने स्टार्ट किए हैं, 15 दिन हुए देते हुए। अच्छा, 15 दिन हो देते। अभी अंडे डेली के डेली बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं, बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग पे 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 10 हो गए हैं, फिर एक दिन में 15 हो गए, तो अब स्टार्टिंग से 25, फिर एकदम 25। इस वक्त आपके जो अंडा दे रही हैं उसका कितना वेट है? उसका अंडा वेट है 40 ग्राम। 40 ग्राम। और मुर्गी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं MNInfo TV। तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास। अच्छा वकास भाई, आपने ये सेटअप कब से लगाया है? ये तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो गया है। ये कौन सी ब्रीड आपने रखी हुई है? ये गोल्डन मिश्री है। अच्छा माशाल्लाह। तो कितने दिन का बच्चा रखा था आपने? मैंने 1 दिन का लिया था। अच्छा भाई, कितने पीस आप लेके आए थे? मैंने 200 पीस लिया था। हाँ जी। इसमें से 25 पीस जो है वो मोर्टैलिटी मर गए थे, मोर्टैलिटी हो गई थी। हाँ जी। तो बकाया जो मछला आपके सामने है वो बड़े हो गए सारे। आप इनको, हाँ जी, इनको फीड कौन सी दे रहे हैं आप? इनको फीड पहले दी थी 14 नंबर। हाँ जी। स्टार्टिंग पे, और जब ये अंडे देना शुरू हुए अब तो अब इनको 13 नंबर डालते हैं हम। अच्छा माशाल्लाह। तो अब इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र है अब 6 माह। वो जो पहले थे वो मैंने सेल कर दिए थे। अच्छा, 6 माह हो गया माशाल्लाह। कितना बड़ा सेटअप है आपका? सेटअप अभी तो छोटा सा है लेकिन अच्छा है माशाल्लाह। शौक के लिए किया था लेकिन अब बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं इसके। सही। तो गोल्डन मिश्री का आपको किसने मशवरा दिया था? मशवरा किसने दिया था, बस खुद ही शौक था तो उसकी वजह से आस्ता से आगे बढ़ते गए। हाँ जी। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मैं बस ज़्यादा काम करता तो नहीं लेकिन अब मैंने शुरू किया हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक जा रहा है। कुछ साल से मैंने मेहनत की इन पर, तो थोड़ा सा इनको टाइम दिया है, इनको समझने की कोशिश की है, तो अब माशाल्लाह ठीक है आपके सामने। देखभाल का तरीकाकार क्या आपने रखा हुआ इनका? इनको सुबह को फीड और पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर इनको दोपहर को पानी कम हो तो पानी डालते हैं, फिर शाम को इनको सुबह शाम 2 टाइम फीड डालते हैं इनको। अच्छा, तो इसके अलावा इनको क्या देते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह? ये वैक्सीनेशन इनके, इसके अलावा भी 1 महीने बाद इनको होती है, वो इनकी 1 महीने बाद करते हैं हम, तो अगर वैसे कोई मसला तो फिर इनको कुछ नहीं देना पड़ता। अच्छा, इस वक्त ये अंडे दे रही हैं? जी। कितनी प्रोडक्शन दे रही हैं डेली की? इस टाइम इनकी 20-25 है। टोटल मुर्गियाँ कितनी हैं? टोटल मुर्गियाँ हैं 60। 60 मुर्गियाँ जी। तो इसमें मुर्गे कितने? मुर्गे में थे 25, तो कुछ हमने जबा कर लिए थोड़े दिन हो गए, तो अब इनके अंदर 15 मुर्गे हैं। 15 मुर्गे हैं। तो 60 मुर्गियाँ कितने अंडे दे रही हैं? अभी स्टार्ट हुई है ना ये अंडे, तो अभी स्टार्टिंग पे हैं जी। स्टार्टिंग पे अभी। हाँ जी माशाल्लाह। तो 20-25 हो रहे हैं इनके। 20-25 दिल्ली के जी। तो आप सेल करते हैं इनको? अभी तक तो पड़े हुए हैं, तो हो जाएंगे फिर HT में दे आऊँगा उनको। तो डेली की फीड कितनी दे रहे हैं इनको आप? डेली की फीड 3 किलो इनकी सुबह, 3 किलो शाम की इनकी। कितना खर्चा बनता है? तकरीबन 500 रुपया डेली का इनका। अच्छा, तो अंडे सेल करें तो कितने आपकी प्रॉफिट, डेली की प्रॉफिट कितनी है? अगर अंडे सेल करेंगे तो, अगर सारी मुर्गी स्टार्ट पे अंडे देंगे ना, सारे स्टार्ट करेंगे तो ये डेली के अंडे 1200 के डेली के अंडे इनके। अच्छा अच्छा भाई, जब आप ये चिक्स खरीद के लेके आए थे तो कितने के खरीद के लेके आए थे? ये चिक्स जो जब मैंने खरीदा था 2200 रुपये में खरीदा था मैंने। अच्छा, अब तो इसका रेट वैसे बढ़ गया हुआ है। नहीं, तो कितनी मालियत थी जब खरीद के लेके आए थे आप? तब ये मैंने लिए थे 5000 रुपये तकरीबन। 5000 के 100 पीस लेके आए थे? नहीं, 200 पीस। 200 पीस, ठीक है। तो कहाँ से खरीदा था आपने? ये यहाँ पे एक हैचरी है जुगियाँ के पास ना, रिंग रोड के करीब, वहाँ से मैंने लिए थे। रजा चिक्स है, वहाँ से लिए थे। ठीक है। तो मोर्टैलिटी वगैरह कितनी हुई इसमें? मोर्टैलिटी इसमें ज़्यादा नहीं हुई, बस वही स्टार्टिंग में जो 20-25 थे वो हुए हैं, सर्दी की वजह से वो भी हुए हैं, तो वरना उसके बाद ठीक जा रहा है। तो आप नए फार्मर थे इसलिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपका ओवरऑल तजर्बा कितना है इसके काम में? वैसे तो शुरू से लगे हुए हैं, छोटे होते हैं मतलब लगे हुए थे, शौक से पहले से था, तो जो इन पे मुकम्मल तजर्बा किया वो 1 साल में मुकम्मल किया इन पे माशाल्लाह। तो 1 साल में क्या आपने इनमें देखा? यही है कि इनको बचा के रखना चाहिए, सर्दी गर्मी इनका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर सर्दी है तो उसके अंदर हीटर वगैरह लगा दें, गर्मी है तो कूलर लगा दें या पंखा लगा दें इसके ऊपर अंदर, तो बस टेम्परेचर कंट्रोल रहे इसका, तो ये चलता रहता है ठीक निज़ाम। सही है। सेल परचेज भी करते हैं? नहीं, अभी तक तो मैं एग सेल कर रहा हूँ शुरू से। भाई, इसकी सफाई वगैरह आप कितने दिनों बाद करते हैं? मैं इनकी सफाई 6-7 दिन बाद कर देता हूँ। अच्छा,
तो इनके नीचे आपने मिट्टी वगैरह डाली है या वैसे ही? नहीं, वैसे हम वो बूरा वगैरह डाल देते हैं इनके नीचे। बूरा वगैरह डाल देते हैं। तो इनकी परवरिश वगैरह आपने कैसे की? इनको खुला छोड़ा या इसके अंदर ही रखा, केज के अंदर ही? नहीं, जब सर्दी थी तो इनको खुला छोड़ते थे धूप में, सारा दिन बाहर रहते थे तो शाम को इनको अंदर कर देते थे। फिर अंदर बल्ब लगाए हुए थे हमने, उनके वैसे टेम्परेचर पूरा करते थे इनका, रात को सर्दी ज़्यादा होती थी इसलिए। तो अंडे वगैरह जो अभी दे रही हैं तो कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र है 6 माह। 6 माह। अब ये प्रॉपर अंडे दे रही हैं सारी? प्रॉपर अभी अंडे देना शुरू हुए हैं, 20-25 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो बकाया स्टार्ट अभी हुई है। डेली के कितने अंडे आ रहे हैं? डेली के 20-25 अंडे आ रहे हैं। डेली के मतलब 20-25 आ रहे हैं। तो कितना अर्सा हो गया इनको देते हुए? अंडे अभी इन्होंने स्टार्ट किए हैं, 15 दिन हुए देते हुए। 15 दिन होते थे। अभी अंडे डेली के डेली बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं, बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग पे 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 10 हो गए हैं, फिर एक दिन में 15 हो गए। तो अब स्टार्टिंग से 25, फिर एकदम 25। इस वक्त आपके जो अंडा दे रही हैं उसका कितना वेट है? उसका अंडा वेट है 40 ग्राम। 40 ग्राम। और मुर्गी का कितना वेट है? मुर्गी का वेट है इस टाइम 900 ग्राम, 1000 ग्राम, 900 ग्राम। मुर्गे का इस टाइम 1200 ग्राम है। 1200 ग्राम। तो फीड वगैरह इनको कौन सी दे रहे हैं? फीड इनको अभी 13 नंबर दे रहे हैं। टोटल फीड ही दे रहे हैं या आप अपना घर में भी कुछ दूसरा मटेरियल वगैरह भी डाल के दे रहे हैं? नहीं, सिर्फ फीड दे रहे हैं इनको। सिर्फ फीड पे आप पाल रहे हैं इनको? जी। तब से आपने ये सेटअप तैयार किया है, तब से लेके अब तक कितना खर्चा हो गया? अब तक मेरा इनके ऊपर खर्चा है वो 70,000 रुपये हो गया है। 70,000, माशाल्लाह। तो अभी इसमें आपने कमाई वगैरह भी की है अभी? बस वैसे ही मैंने जो मुर्गे सेल किए थे इनमें से, वो माशाल्लाह 20-25 हज़ार के मुर्गे सेल हुए हैं मेरे। यानी कि हाफ आपने इसमें कमाई कर ली? जी, बिल्कुल। तो अभी अंडे आप सेल करना चाह रहे हैं? अंडे मैं सेल, हैचरी है वहाँ पे, मैं सेल कर रहा हूँ। अच्छा, हैचरी को दे रहे हैं? जी। क्या किस हिसाब से दे रहे हैं? वो पेटी के हिसाब से लेते हैं। कितने का दे रहे हैं? इस टाइम 6,000 रुपये की पेटी जा रही है उनकी। कितने अंडे होते हैं? 360 अंडे होते हैं पेटी में। 360। तो आपके डेली के हो जाते हैं? नहीं, वो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद दे जाता हूँ उनको मैं। 100-125 अंडा, 125-125, वो 3-4 दिन बाद दे जाता हूँ उनको। सही है। अच्छा भाई, आपके पास बैंडम भी नज़र आ रही, बैंडम की कितनी मुर्गी रखी है? ये बस मैं ना बच्चे निकलवाए थे तो एक ही बच्चा उनमें से, वो मुर्गी निकलाई, फिर एक मुर्गा लाया हम, तो वो शौक से बस रखे हुए हैं। तो 2 ही थे अभी वो, तो अब आगे उनके अंडे लेके तो हमने ब्रीड ली हुई है। अच्छा, इस वक्त वो मुर्गी अंडे दे रही है? जी, बैंटम की। जी जी। कितने अंडे देती है वो? अंडे देती जाती है, वो बहुत कम है कि वो अंडा कम दे। डेली के डेली डेली अंडा देती है वो, माशाल्लाह। तो उसके अंडे की आपने हैची करवाई है? जी, उसके अंडे की हैची करवाई है। कुछ ये बच्चे आपके पीछे हैं, ये निकलवाए हुए हैं। कितने बच्चे निकले? इसमें से 8 बच्चे निकले हैं। हाँ जी। एक वो मर गया था, तो 7 हैं, तो 10 अंडे दूसरे मरीज के नीचे अपने रखे हुए हैं अभी, दोबारा फिर रखे हुए हैं। जी, माशाल्लाह। उसका भी आप सेटअप अलहदा से करेंगे? जी, अब ये बच्चे जब बड़े होंगे फिर इनको अलहदा करेंगे, ये अपने लिए ब्रीड के लिए तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं जी। तो वो मुर्गी आप कितने के लेके आए थे? छोटी वो मैंने अंडा लिया था बस। अच्छा, अंडा लिया था? जी, अंडे में से निकलवाई, 50 का अंडा लिया था तब। सही है। तो अंडे में से वो बच्चा निकला तो बड़ा हो गया। तो माशाल्लाह आपने उसको संभाल लिया? संभाल लिया मैंने। सही। तो इस वक्त उसके बच्चे अभी हो रहे हैं? जी। तो टोटल कितने हो गए आपके इसके पास? मेरे पास इस टाइम उनके बच्चे हैं 7, ये हैं, तो बकाया निकलने वाले हैं, वो तो अल्लाह की मर्जी है कितने निकलते हैं। कितने लगाए अंडे? 10 लगाए हैं। अपनी हैचरी है किसी के पास लगाए? नहीं, अभी तो मुर्गी के नीचे लगाए हैं, वैसे दोस्त है उसकी हैचरी भी है रजा चिक्स के नाम से। खुद अपने अंडों पर नहीं बैठती? नहीं, बाहर बैठाने पड़ते हैं। बाहर बैठाने पड़ते हैं। सही। तो कितने किस हिसाब से आपको दे रहे हैं वो हैचरी निकाल के? वो तो दोस्त है वैसे, वो थोड़े से अंडे से मैं तो कुछ नहीं देता उनको, लेकिन वो 22 से 8 रुपये पर अंडे की मजदूरी लेते हैं। 12 अंडे की? सही है। तो अच्छा, कितने दिन के बाद इनका हैच निकलता है? 21 दिन बाद इनका हैच निकलता है। चलें, शुक्रिया। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।